गाइस, फर्स्ट टाइम आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए बेनली की बाइक्स का रिव्यू लेकर आया है। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मैंने अभी तक फिलहाल बेनली का रिव्यू नहीं किया था, लेकिन फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए बेनली बाइक्स का रिव्यू लेकर आया हूं और धीरे धीरे कर आप लोगों के लिए बेनली की सभी बाइक्स का रिव्यू लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेनली इंपीरियल 400 BS6 मॉडल। दोस्तों ये बाइक रॉयल एनफील्ड की तरह आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आप लोगों को जो फीचर मिलते हैं वो काफी बेटर मिलते हैं और लुकिंग वाइज दोस्तों बहुत ही क्लासिक लगती है और मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये बाइक देखने में। अगर आप इस बाइक को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज एक बार शोरूम विजिट जरूर करना। जब आप इसे सामने से देखेंगे दोस्तों तो आपको इसका लुक और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं बेनली इंपीरियल 400 BS6 मॉडल के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम प्राइस के बारे में बात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके प्राइस एंड बजट के बारे में सोचते हैं, अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या बजट है, उसके हिसाब से ही हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले प्राइस बताता हूँ, उसके बाद मैं बाइक का रिव्यू आप लोगों के सामने रखता हूँ। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को प्राइस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये बाइक में आप लोगों को वेरिएंट कलर के हिसाब से मिल जाता है। इसमें आप लोगों को सिल्वर मिलती है, रेड मिलती है, ब्लैक मिलती है। दोस्तों जो सिल्वर आती है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1.99 लाख, 1,99,000 रुपए उसका एक्स शोरूम प्राइस है। और वहीं जो रेड एंड ब्लैक आती है दोस्तों, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 रुपए में एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप लोग क्या ऑन रोड प्राइस में और हमारे ऑन रोड प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टेट का RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस जो होते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ ये बाइक जो सिल्वर वाली आती है 2,35,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड प्राइस मिल जाती है, एंड जो रेड एंड ब्लैक आती है वो 2,49,000, 2,49,000 रुपए में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के इसका क्या प्राइस है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम जान लेंगे इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन देखने को मिल जाता है। इस बाइक में कंपनी की तरफ से 374cc का इंजन यूज किया गया है। मैक्सिमम पावर में 21 का PS पावर मिल जाता है, जो कि 6000 RPM पे पावर जनरेट करता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में 29 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है, जो कि 3500 RPM पे पावर जनरेट करता है, यानी कि पावर काफी अच्छा है, सेम आपको क्लासिक 350 की तरह देखने को मिल जाता है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। 4 वॉल्वो के साथ बाइक को डिजाइन किया गया है। ड्राई टाइप में चैन ड्राई देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता। फ्यूल सप्लाई में ऑब्वियसली BS6 इंजन है, फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाता है। और वहीं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ट्रांसमिशन मैनुअल देखने को मिल जाते हैं। गियरबॉक्स आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का जो बोर है दोस्तों वो है 72.7 mm की, और बाइक की जो स्ट्रोक है दोस्तों वो है 90 mm की। जी हाँ, 90 mm की स्ट्रोक देखने को मिल जाती है। नॉर्म्स टाइप यानी कि एमिशन टाइप BS6 मॉडल। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। इंजन ऑलमोस्ट मुझे काफी अच्छा लगा, जब आप इसे एक बार सामने से भी देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
चलिए बात कर लेंगे दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में एंड इस बाइक के सेफ्टी के बारे में। अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो इस बाइक में आप लोगों को ABS में डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। बात करेंगे दोस्तों इसके स्पीडोमीटर के बारे में तो वो आप लोगों को एनालॉग विद डिजिटल देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें डिजिटल मिल जाती है, कुछ चीज़ें एनालॉग मिलती है, जिसमें आप लोगों को स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, कंसोल आपको एनालॉग विद डिजिटल देखने को मिल जाता है। साथ में इस बाइक में आप लोगों को क्लॉक भी देखने को मिल जाता है और बहुत सारे आपको इस बाइक में इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का दोस्तों जो मीटर कंसोल है वो मुझे काफी बेटर लगा, लुक में काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप देखेंगे इसका लुक तो काफी अट्रैक्टिव है और काफी बेटर लगता है लुक वाइज, किसी भी मैंने ब्रांड में नहीं देखा इस टाइप का। ये जो मुझे इस बाइक का जो मीटर कंसोल का जो लुक है दोस्तों वो काफी बेटर लगा। बात कर लेंगे दोस्तों बाइक के चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक की जो चेसिस है दोस्तों वो है डबल क्रेडल। बात करेंगे बॉडी टाइप तो आपको पता है कि ये क्रूजर बाइक है, जैसे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक हो गई वैसी ही आपको ये क्रूजर बाइक देखने को मिल जाती है। वहीं बात कर लेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आप लोगों को 41mm का टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है एंड रियर में आप लोगों को प्री लोड एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं और कंफर्टेबल राइड कर सकते हो इस बाइक में, काफी कंफर्टेबल बाइक है। वहीं बात करेंगे हम इसके कैपेसिटी एंड लेंथ के बारे में दोस्तों। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 2170mm की। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है दोस्तों वो है 1120mm की। वहीं बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों वो है 12 लीटर की। एक बार में आप 12 लीटर पेट्रोल डला सकते हो, एक बार में आप इस बाइक में 12 लीटर पेट्रोल डला सकते हो। वहीं दोस्तों बाइक की जो सीट हाइट है वो है 780mm की, 780mm की इसकी सीट हाइट है। नॉर्मली अगर आपकी हाइट 5.3 है उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 165mm की। वहीं इस बाइक की जो व्हील बेस है वो है 1440mm की। वहीं अगर हम इसके ड्राइव वेट के बारे में एंड कर्व वेट के बारे में बात करें, इस बाइक का जो वेट है दोस्तों वो है 205kg का, 205kg की बाइक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो फिलहाल आपको इसमें भी LED देखने को नहीं मिलता। अगर हम इलेक्ट्रिकल्स में स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी राउंड शेप में आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है। हेडलाइट में हेलोजन मिल जाता है, टेल लाइट में बल्ब देखने को मिल जाता है, टर्न सिंगल लाइट में भी फिलहाल अभी इसमें आपको बल्ब देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में, वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं इस बाइक में। वहीं सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस बाइक के टायर साइज के बारे में। इस बाइक में फ्रंट में 190 का टायर देखने को मिल जाता है, जी हाँ 190 का टायर फ्रंट में देखने को मिलता है। वहीं रियर टायर में 130/80 का टायर देखने को मिल जाता है, 130/80 का टायर रियर में देखने को मिल जाता है। इस बाइक में व्हील टाइप में स्पोक देखने को मिल जाता है। बात करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल फीचर में यहाँ पे इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। साथ में ब्रेकिंग सिस्टम में दोनों ही साइड आपको इस बाइक में डिस्क देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 300mm की प्लेट देखने को मिल जाती है, यानी कि फ्रंट में जो प्लेट लगी हुई है वो 300mm की है एंड रियर में आपको जो प्लेट मिल जाती है वो 240mm की है। अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जिस बाइक में जितनी बड़ी प्लेट होती है उस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये था दोस्तों बेनेली इंपीरियल 400 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। बाइक कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप बेनेली की बाइक्स में जाना चाहते हो दोस्तों तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जा सकते हो, काफी अच्छा ब्रांड है इसकी। आपको पता है काफी अच्छी अच्छी बाइक आती है, काफी अच्छी अच्छी सुपर बाइक भी आती है, बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। जैसे आपको पता है इसकी सबसे फेमस मॉडल बेनेली 600i, जो कि उसके एग्जॉस्ट के नाम से जानी जाती है, बहुत ही बेटर लगती है। अगर आप 300 भी लोगे ना इसकी तो उसमें भी आपको काफी अच्छा एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। नॉर्मली बेनेली को दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत सारे लोग उसके साउंड की वजह से जानते हैं, उसके एग्जॉस्ट की वजह से जानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।